देखिए मुद्दा एकदम स्पष्ट है। मुद्दा यह है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय में सर्वे सर्वा ये शख्स यानी अमित शाह है। सवाल उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि एक ऐसे वक्त जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में हैं, हमने दिल्ली के न्याय व्यवस्था को इस तरह से बिगड़ने क्यों दिया। यह शख्स कपिल मिश्रा, जो कुछ दिनों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक लड़की की स्टॉकिंग करने का आरोप लगा रहा था, खुद अमित शाह पर एक लड़की की स्टॉकिंग करने का आरोप लगा रहा था यानी कि कपिल मिश्रा, और इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ISI का जासूस कहा था। आखिर इसे इस वीडियो के अंतर्गत किसने अनुमति दी कि वो इस तरह के बयानात दें और फिर हालात बिगड़ने दिए जाएं? ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल, इसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। इस शख्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, क्या यह सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? बाकी सवाल बेमानी है। दिल्ली की न्याय व्यवस्था के लिए अरविंद केजरीवाल पर दोष मढ़ना या राहुल गांधी पर दोष मढ़ना यह अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। हां, मगर मैं मानता हूं अरविंद जी, आपको दिल्ली की जनता ने 90% सीट्स दी थी। यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सड़क पर उतरें और लोगों में विश्वास पैदा करें। मुझे इस बात की खुशी है कि कल देर रात से आपके तमाम विधायक, चाहे दिलीप पांडे हों, गोपाल राय हों या जो बाकी आपके विधायक हैं, वो LG के दफ्तर पहुंचे, उनके घर पहुंचे, उनसे मिलने की कोशिश की। तो अभी अभी मैंने एक मीटिंग ली थी जिसमें जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनके सभी विधायकों को बुलाया था, चाहे BJP के विधायक हों चाहे हमारी पार्टी के हों, दोनों के विधायक आए थे और सभी सीनियर ऑफिसर्स थे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के। और जो उसमें निकल के आया वो ये कि एक तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को सबको आदेश दिया गया है कि वो मुस्तैदी से काम करें, सभी हॉस्पिटल्स तैयार रहें, अगर जो भी इंजर्ड लोग आते हैं उनको तुरंत अच्छे से अच्छी उनको इलाज मिलना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट वालों को आदेश दिया गया है कि उनको एक दिक्कत ही आ रही है जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे पहुँचने में, तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो लोग वहाँ पे समय पे पहुँचें। सभी विधायकों का एक जो कॉमन शिकायत थी वो ये कि पुलिस का संख्या बल बहुत कम है, पुलिस की संख्या बहुत कम है और पुलिस को नीचे पुलिस को एक्शन लेने की पावर्स नहीं है। जो लोकल लेवल पे विधायकों ने भी पुलिस से बात की तो वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जब तक उनको ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे कि अगर उनको अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको लाठीचार्ज करने की, हवाई फायर करने की, उनको जब तक ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। ये ज़रूरत है। जो अभी मैं अमित शाह जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ 12 बजे, तो उनसे भी गृह मंत्री जी से ये इसकी जिक्र करूँगा। इसके अलावा बॉर्डर के जो हमारे एरियाज हैं वहाँ के विधायकों ने कहा कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उन बॉर्डर्स को सील करने की ज़रूरत है और प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की ज़रूरत है जो जो लोग पे शक हो। मैंने अभी डायरेक्शंस दिए हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं और SDMs हैं उनको कि वो मुनादी करें और पीस मार्च निकालें लोकल पुलिस के साथ मिलके और लोगों को शांत और शांति बनाए रखने की अपील करें। मगर मैं आपसे कुछ और चीजें पूछना चाहता हूं दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जब ये मुलाकात चल रही होगी उस जगह से यानी हैदराबाद हाउस से महज 18-19 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली में दंगे जारी हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह को यह बात पता थी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में हैं और वो दिल्ली में आकर बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो आपने हालात को ऐसे बदतर क्यों होने दिया? कपिल मिश्रा कोई सड़क चलता गुर्गा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आपने क्या उसे लताड़ लगाई कि तुमने आखिर इस तरह के बयानात क्यों दिए? क्या आपने उस पर अंकुश लगाए? आज ही अपने आप को मसीहा शहीद बना फिर रहा है ट्विटर के अंदर। और ट्विटर से भी मेरे सवाल, ये शख्स लगातार ट्विटर पर धमकी दे रहा है, इसने उस वीडियो को प्रसारित प्रचारित किया है जहां उसने धमकी दी है कि अगर तुमने 3 दिन में सड़क खाली नहीं करवाई तो उसके बाद हम सड़क पर उतर जाएंगे। तुमने क्या उम्मीद की थी एक ऐसे शहर में जहां हमारे नेता ये बयान देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो और इसके बाद दो लोग ये तथाकथित
नाबालिग और फिर ये शख्स जो शाहीन बाग में उतरकर गोलियां चलाता है। जब हमारे सामने ऐसी मिसालें तो तुमने क्या उम्मीद की थी? और देखो एक बात समझ जाओ, ये जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है ना, ये पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद जिले में हो रहा है, जाफराबाद इलाके में हो रहा है। जाफराबाद शाहीन बाग नहीं है, ये वो जगह है जो अपराध के नजरिए से बहुत सेंसिटिव रहता है। पुलिस फाइल्स को खंगालिए, यहां बाकायदा अंडरवर्ल्ड के गैंग्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये शाहीन बाग जैसा नहीं है। मगर इस शख्स ने जो खुलेआम गोलियां चला रहा था, और ये तस्वीर जो बार बार सामने उभर कर आई है, इसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है। इस शख्स ने अगर ये अपने आप को नागरिकता बिल के खिलाफ एक आंदोलनकारी मानता है, मैं इसे एक गुर्गे के अलावा कुछ नहीं मानता, अगर ये अपने आप को एक आंदोलनकारी मानता है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी एक इस हरकत से पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारी इस तस्वीर को लेकर लगातार अब आगे मिसालें दी जाती रही। सवाल ये नहीं है दोस्तों, दिल्ली बार बार शर्मसार हुआ कर। आपके सामने ये तस्वीरें, इस तस्वीर में देखिए किस तरह से एक बेबस व्यक्ति को बुरी तरह से भीड़ पीट रही है। इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जिस विकेट से इसे मारा जा रहा है वो तक टूट चुकी है। और फिर दूसरी तरफ ये शख्स जो खुलेआम गोलियां चला रहा था। मगर एक तरफ जहां ये भीड़ का चेहरा था, दूसरी तरफ हमने पुलिस के चेहरे को भी देखा। दोस्तों एक वीडियो सामने उभर कर आया जिसे देखकर सिहरन पैदा होती है। कुछ युवक जो है वो जमीन पर पड़े हुए हैं और पुलिस जो है उन्हें ताने दे रही है और मांग आजादी और उनसे राष्ट्रगान गवा रही है। अच्छी तरह क्या राष्ट्रगान के लिए तुम्हारे जहन में रत्ती भर भी इज्जत नहीं है कि तुम अब राष्ट्रगान को इस तरह से लोगे? अगर वो दंगाई हैं, अगर वो दंगा कर रहे हैं तो तुम उन्हें गिरफ्तार करो, उनसे तुम राष्ट्रगान क्या गवा रहे हो? और अब इस वीडियो में देखिए दोस्तों, ये अपने आप में बहुत खतरनाक वीडियो है। आप देखिए यहां पर दंगाइयों के साथ, पत्थरबाजों के साथ पुलिस खड़ी है, और फिर आप देखिएगा इस वीडियो में किस तरह से पुलिस वाला इशारा करता है और भीड़ जो है दौड़ने लगती है। पुलिस ने आजाद भारत के इतिहास में, पुलिस ने बार बार, खासकर दिल्ली पुलिस ने हमारा सिर शर्मसार किया दोस्तों। एक 1984 था जब दिल्ली पुलिस खामोशी से तमाशा देखती रही जब 2000 से 2500 सिख जो हैं उनका कत्ल कर दिया गया, और अब यहां पर पक्षपात भरा रवैया यहां पर सामने उभर कर आ रहा है। दोस्तों चाहे शाहीन बाग हो, चाहे जाफराबाद हो, आप जानते हैं कि मैं सड़क को रोकने के हक में नहीं हूं। मैं नहीं चाहता सड़कों को रोका जाए। आप अपनी बात अन्य तरीकों से कर सकते हैं और शाहीन बाग कर भी रहा है। शाहीन बाग ने मिसालें भी दी है। हालांकि शाहीन बाग में मैं सड़क रोकने का मामला नहीं मानता दोस्तों। वहां पर अगर उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे, दिल्ली पुलिस चाहे, तो मौजूदा व्यवस्था में ट्रैफिक चल सकती है। मैं नहीं जानता इन्होंने किस वजह से ट्रैफिक को इस तरह से जाम किया हुआ है, रोड्स को इस तरह से ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा शाहीन बाग की जनता ने कोशिश की थी कि किसी तरह से उन रोड्स को खाली किया जाए। उन्होंने किया भी था, बैरिकेड्स हटाए थे, मगर दिल्ली पुलिस ने और यूपी पुलिस ने फिर उसे बंद कर दिया। दोस्तों मेरे पीछे बुद्ध है। आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं अपने आप को एक प्रैक्टिसिंग हिंदू मानता हूं, मगर आप जानते हो मुझे सबसे ज्यादा सुकून किनसे जुड़ाव में मिलता है? एक तो भगवान शिव के साथ, और दूसरी तरफ जब भी मैं बौद्ध गया जाता हूं या जब भी मैं बुद्ध स्थली जाता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे एक सुकून मिलता है। आज बुद्ध हमें वही शिक्षा दे रहे हैं और वही सीख दे रहे हैं। बहुत जरूरी हो गया है कि हम उस आपसी नफरत को भूल कर, क्योंकि आप देश को कहां ढकेल रहे हो भाई, ये सुनने में आपको फिल्मी लग रहा होगा, फिलोसॉफिकल लग रहा होगा, मगर ये हकीकत है। मैं दिल्ली से इस वक्त बहुत दूर हूं। आप मेरी इस बैकग्राउंड को देखकर समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त दिल्ली में नहीं हूं, मैं एक शादी में आया हूं,
मैं जिसकी शादी में आया हूं उसका परिवार शुरू होने वाला है, कुछ दिनों बाद उसके अपने बच्चे होंगे। ये परिवार एक एक करके सैकड़ों बनते हैं, हजारों बनते हैं, लाखों बनते हैं, करोड़ों बनते हैं, और उसी से भारत बनता है। आज जब लोग दंगे करने सड़क पर उतर रहे हैं तो कुछ लम्हों के लिए सोचिए आप में से जो लोग इस दंगे का समर्थन करते हैं कि क्या आपकी अपने परिवार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। जो लोग इस भीड़ को इन दंगाइयों के लिए तालियां बजा रहे हैं वो आपके परिवार के दुश्मन हैं। आप में से अब भी कुछ लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आ रही होगी। जो लोग नागरिकता बिल का विरोध करते हैं आप जानते हैं कि मैं उनके साथ रहा हूं, आप जानते हैं मैं शाहीन बाग के साथ रहा हूं, मगर हिंसा किसी भी सूरत में रास्ता नहीं हो सकता। आप अपना इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर नहीं होने दे सकते। और दूसरी तरफ जो लोग इस वक्त नागरिकता बिल के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं, मेरे ख्याल से वो नागरिकता बिल के समर्थन में सड़क पर नहीं उतरे हैं, वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी हैं। मेरी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि यह वक्त आ गया है कि आप एक स्टेट्समैन होने का परिचय दें, आप परिचय दें कि वाकई आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह साहब सिर्फ बैठके करने से कुछ नहीं होने वाला है, वो शांति की अपील करना होगा। बहुत जरूरी है कि इस वक्त हमारे समाज में लोग सामने उभर कर आए, एक मंच पर सामने बैठे जो गैर राजनीतिक भी हों और वो अपील करें शांति के लिए, क्योंकि हम दिल्ली को इस तरह से दफ नहीं होने देंगे, इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे, हम बर्बाद नहीं होने दे सकते। मैं आज इसी मंच का इस्तेमाल कर रहा हूं आपसे अपील करने के लिए, अपने शहर को बर्बाद होने से बचाइए, रोकिए। दिल्ली कई बार बिगड़ी है, आबाद भी हुई है, मगर ना ये 17वीं सदी है, ना 16वीं सदी है, ना 18वीं सदी है। हम साल 2020 में रह रहे हैं। हमारा एक एक शब्द, हमारी एक एक हरकत सदियों तक इंपैक्ट रखने की, परिणाम रखने का नतीजा कुबत रखती है। हम एक एक चीज जो करेंगे उसका परिणाम हम सदियों तक देखेंगे, दशकों तक देखेंगे। यही वजह है कि आज जब 2020 में इस तरह के दंगे हो रहे हैं, इसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। मैंने तो सोचा था इस पूरे एक हफ्ते मैं न्यूज क्लिक पर नहीं आऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं एक शादी के लिए आया हूं कहीं पर, मगर कल रात भर नहीं सो पाया वो तस्वीरें देखकर। मैं व्यथित हूं क्योंकि कुछ लोगों के चलते दिल्ली को बर्बाद होने दिया जा रहा है। मुझे दिल्ली से मोहब्बत है, आपको है कि नहीं है बताइए।